टेन ऑन टेन पेश करते हैं दार्जिलिंग में घूमने की 10 बेहतरीन जगह। दार्जिलिंग भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए जानते हैं दार्जिलिंग में कौन सी 10 सबसे अच्छी घूमने की जगह है। वीडियो के अंत में यहाँ घूमने से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां भी दे रखी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 10, नाइटिंगेल पार्क। दार्जिलिंग के रिचमंड हिल पर स्थित नाइटिंगेल पार्क टहलते टहलते दार्जिलिंग की पहाड़ियों का नजारा लेने का एक अच्छा जरिया है। नाइटिंगेल पार्क के मध्य में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा हुआ है, जहां शाम को आपको मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। यहां के सुकूनदायक वातावरण में टहलने से आपकी सारी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। नंबर 9, दार्जिलिंग रोपवे। दार्जिलिंग को भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशन में गिना जाता है और इस हिल स्टेशन का विहंगम दृश्य पाने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की रोपवे पर सवार हो जाना। नीचे हरे भरे चाय के बगान और दूर बर्फीली पहाड़ियाँ देखकर आपको लगेगा कि आप किसी हसीन सपने को देख रहे हो। और क्या आपको पता है, ये भारत की पहली रोपवे है। नंबर 8, चौरस्ता। दार्जिलिंग की मॉल रोड के पास चौरस्ता यहाँ की सबसे चहल पहल वाली जगह है। यहाँ काफी खुली जगह है जहाँ अक्सर कबूतरों के बड़े बड़े झुंड दाना चुगते हुए दिख जाएंगे, जिनके बगल में खड़े होकर आप एक यादगार फोटो खींच सकते हैं। चौरस्ता के पास आप घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप दार्जिलिंग की स्वादिष्ट चाय के दीवाने हैं तो यहाँ आपकी खिदमत में ढेरों चाय की दुकानें भी हाजिर हैं। नंबर 7, तेंजिंग रॉक। दार्जिलिंग की पहाड़ियों के सौंदर्य को देखकर हो सकता है आपके अंदर का पर्वतारोही जाग जाए। ऐसी स्थिति में पेश है आपके लिए दार्जिलिंग का तेंजिंग रॉक। इस जगह एक छोटी सी पहाड़ी चोटी है जिस पर कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में पर्वतारोहण की बारीकियां समझाई जाती हैं। ये जगह पास ही मौजूद प्रख्यात हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का भाग है। नंबर 6, घूम मॉनेस्ट्री। दार्जिलिंग अपने बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है और घूम मॉनेस्ट्री यहाँ की सबसे पुरानी तिब्बती मॉनेस्ट्री है। ये मॉनेस्ट्री 150 से ज्यादा साल पुरानी है और इसके सेंट्रल हॉल में मैत्रेय बुद्धा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा इस बौद्ध मठ की शोभा और बढ़ाती है। यहाँ आपको रंग बिरंगे झंडे भी देखने को मिलेंगे जिनकी बौद्ध धर्म में काफी मान्यता है। नंबर 5, पीस पगोड़ा। अब चलते हैं उस जगह जहाँ दार्जिलिंग आने वाले ज्यादातर पर्यटक जाते हैं। ये है यहाँ पर स्थित जैपनीज पीस पगोड़ा। ये एक सफेद गुंबदनुमा इमारत है जिसके चारों ओर बुद्ध जी के चार रूप दर्शाए गए हैं। यहाँ के द्वार सारे धर्मों के लिए खुले हैं और कुछ देर यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठकर आप एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक शांति से रूबरू होंगे। नंबर 4, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। अगर आप हैं एक जानवर प्रेमी तो आप दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जरूर जाएं। ये चिड़ियाघर एक प्रतिष्ठित हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर है जो लुप्तप्राय जंगली जानवरों के संरक्षण कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। ये 67 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ आप तेंदुआ, मकाऊ, सांभर, लाल पांडा आदि जानवर देख सकते हैं। नंबर 3, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। आप दार्जिलिंग जाएं और यहाँ की टॉय ट्रेन में सैर का आनंद ना लें तो ये आपके वकेशन के साथ नाइंसाफी होगी। ये टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का 88 किलोमीटर का सफर अपनी मदमस्त चाल से तय करती है और आपको सुंदर सुंदर दृश्य भी दिखाते जाती है। ये हिमालयन रेलवे 140 साल पुरानी है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। नंबर 2, बतासिया लूप। हिल कार्ट रोड पर स्थित बतासिया लूप में जाकर आपके अंदर का बच्चा जाग जाएगा। यहाँ पर टॉय ट्रेन पार्क के अंदर गोल घूमकर अपने गंतव्य की ओर जाती है। ये अपने आप में एक वाकई अनूठी जगह है जो आपको बहुत ही विचित्र और अकल्पनीय लगेगी। यहाँ से दूर दराज के पहाड़ों का भी काफी आकर्षक नजारा देखने को मिलता है। नंबर 1, टाइगर हिल। अगर आप दार्जिलिंग जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो शब्द आपको सुनाई देंगे वह है टाइगर हिल। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक लोकप्रिय साइट सीइंग पॉइंट है। टाइगर हिल जाने का सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। यहाँ से आप
बर्फीले कंचनजंगा की चोटी के ऊपर पड़ने वाली पहली सूर्य की किरणों को भी निहाल सकते हैं। ये नज़ारा आप जीवन भर याद रखेंगे।